अस्सलाम वालेकुम, स्टिचिंग एंड कटिंग चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको सर्दियों के कपड़े पे बहुत ही खूबसूरत और आसानी के साथ पाइपिंग लगाना बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने और कितने कपड़े पे पाइपिंग लगानी होती है और उसको लगाने का मेथड क्या है। ये तकरीबन मैं जब आप इसकी कटिंग कर लें तो आप कटिंग के दौरान 1 इंच का कपड़ा आप साइड पे रख लें और उसके बाद इस तरह से 1 इंच का कपड़ा फोल्ड करके तो आयरन की मदद से ये मैं प्रेस कर लेती हूँ। ये आयरन की मदद से अच्छी तरह प्रेस कर लें। वैसे आप कभी भी पाइपिंग ना लगाएं, इस तरह से आगे पीछे भी कपड़ा हो सकता है, कुछ ज्यादा या कुछ बड़ा भी हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि आयरन की मदद से पहले आप प्रेस कर लें और उसके बाद ये देखें, बिल्कुल ये देखें नीट हो गया है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से इस साइड पे मैंने प्रेस कर लिया है और मोड़ लिया है कपड़ा। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी मोड़ लूंगी और उसके बाद मैं इसकी पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे भी सेम इसी तरह से इसके जो दूसरा वाला चाक का हिस्सा है वहां पर भी मैं फोल्ड कर लूंगी। और उसके बाद ये देखिए, ये जो इसके किनारे हैं इनको भी किस अंदाज से जो है वो करना है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने ग्रीन वाला हिस्सा जो है अब ये अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है और बस ये इतना ही मेरा आना चाहिए। पाइपिंग चूंकि मैंने ग्रीन कलर में ली हुई है इसलिए ये ग्रीन कपड़े को मैं अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लूंगी। इस तरह से जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। पाइपिंग लगाने का जो बेस्ट वे है वो यही है। और ये हमारी पाइपिंग है, पाइपिंग पहले से बनी हुई है, डोरी वाली पाइपिंग मैं नहीं लगा रही। और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रख के और उसके बाद ये कोना है, यहाँ कोने से मैं ये जो चौक है यहीं से मैं पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूंगी। तो अब मैं किस तरह से पाइपिंग लगाऊंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसको मैं ओपन करूंगी कपड़े को जो मैंने फोल्ड करके रखा हुआ था। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये जो हिस्सा है ये वाला हमारा, इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे मैं इसकी इस तरह से बिल्कुल साथ करके सिलाई लगाऊंगी। अगर ये थोड़ा सा हटा हुआ होगा तो यहाँ से फटने का खतरा होता है, तो इसीलिए आप बिल्कुल इसके साथ जोड़ के तो इसकी पाइपिंग करें और जहाँ पे मेरी सिलाई है वहां पे करूंगी। ये जो इसका जो डबल पैर है इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। डबल पैर के साथ वैसे पाइपिंग लगाई जा सकती है लेकिन ये सिंगल है, मेरे पास लेफ्ट साइड का पैर है तो इसको मैं यहाँ पे रख के तो इसको मैं फिट कर लेती हूँ। फिट आप अच्छी तरह से कर लें वरना आपकी सुई वगैरह भी टूट सकती है। ये मैं यहाँ पे इस तरह से रखूंगी और कपड़े को, और उसके बाद पाइपिंग को बिल्कुल यहाँ पे सीधी साइड पे इस तरह से रख के और यहाँ पे मैं इसकी सिलाई लगाती भी जाऊंगी। जो मैंने नीचे वाली जगह जो फोल्ड की करके रखी हुई है बिल्कुल उसी के ऊपर मैं रख के तो इसकी पाइपिंग करूंगी। पाइपिंग जो है वो लगाऊंगी, उसके ऊपर मेरी सिलाई आएगी तो आपकी भी उसी जगह पे सिलाई आनी चाहिए जहां पे जिस कपड़े को जिस जगह से आपने फोल्ड किया। अगर आप इसको जिगजैग करके लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग सही नीट नहीं आएगी और ना ही अच्छी तरह से तुरपाई हो सकेगी। अब यहां से नोट कीजिए, यहां से मैं इसको टर्न कैसे करूंगी। जहां तक मैंने मोड़ना है वहां पे मैंने रोक दिए और सुई को मैंने नीचे कर दिया और यहां से पाइपिंग को पकड़ के इस साइड पे मैं लेकर आऊंगी, ये इस तरह से घुमा के। और उसके बाद यहीं से मैं इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी। और ये जब मोड़ेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ तुरपाई करने के बाद, जो मैंने इसकी तुरपाई की है। तो ये शर्ट मैंने अलग से एक बना के पहले से रखी है और उसकी मैंने ये देखें
ये मैंने इसके ऊपर पाइपिंग यूज की है और ये आप पाइपिंग हमेशा वही यूज करें जो आपके कपड़ों के साथ मैच हो। ये देखिए मेरे फ्लावर्स और उसके बाद ये जो भी लीफ बने हैं उनके साथ ये पाइपिंग मैच कर रही है, तो मैंने इसी तरह की ये पाइपिंग मिक्स में ली है। और ये देखें लग के यहाँ से, ये देखें ये इसका कोना, इस तरह से आप मोड़ें और इस तरह से आप पाइपिंग करें, इस तरह से ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगी। ये देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये पाइपिंग इसके साथ, और कपड़े को चार चांद लगा दिए हैं। और ये जो मैंने अभी पाइपिंग आपके साथ लगा के दिखाई है ये वो है। और ये देखें यहाँ से मैंने जो इसका कोना जो मोड़ा है, अक्सर कोना मोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, तो इस तरह से आप मोड़ें। तो कैसी लगी आपको ये हमारी आज की वीडियो और ये पाइपिंग लगाने का तरीका? बहुत आसान सा है, हर कोई इसको घर में लगा सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।